रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंग्रेजी डिक्शनरी के 97th पेज पे एक छोटा सा वर्ड आयरनी। लेट्स मीट द फुद्दू बॉय। फुद्दू बॉय एक मेडिकल स्टूडेंट है। फुद्दू बॉय बिचारा है एंड फुद्दू नीड्स टू फिनिश अ रिसर्च पेपर ऑन लंग कैंसर। आयरनी, गो फिगर। दादा, मेहनत वाले 20 घंटे पुल ऑफ करने के लिए 40 कैंसर स्टिक्स का टार। डेंड्रफ के वाटरफॉल के बियॉन्ड फुद्दू बॉय का एक ही ड्रीम है, एक ही मकसद है कि डॉक्टर बनेगा, लाइफ सेव करेगा। ऑब्वियसली एक और सुट्टे के बाद। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज हट जाए। हार्ट रेट तो अभी भी बहुत कम है। देखिए, ऐसे केसेस में दवा से ज्यादा दुआ ही काम आती है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सारी गलती ग्रेस एनाटॉमी और ओल्ड स्कूल बॉलीवुड की है। मेरे लिए तो डॉक्टर साहब आप ही भगवान है। इधर ही तेरा हार्ट बीट रोक देगा मैं। साला 15 लाख का बिल फाड़ के बोलता कि अब दुआ काम आएगी। बेवकूफ समझता है मदर। सो बेसिकली प्लेइंग डॉक्टर, डॉक्टर इज लाइक प्लेइंग पोकर। अपनी सारी एक्सपर्टीज अप्लाई करने के बाद भी ईदर यू आर लकी, नहीं तो तुम्हारी लगी। और ये इंटेंस गैम्बल शुरू होता है ऐसी जगहों पर जिसका नाम है कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो बेसिकली मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना इज लाइक अ वाइल्ड हुकअप। टेम्पटिंग है, थ्रिलिंग है, शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा है, बट उसके बाद लाइफ इज लाइक अ प्रेगनेंसी। सो जहां तुम्हारे फ्रेंड्स एक्सोटिक डेस्टिनेशन वेडिंग्स में एक्सपेंसिव शैंपेन पी रहे हैं, डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशंस वाली कंट्रीज में हनीमून खेल रहे हैं, तुम यही हो दादा, क्योंकि MBBS एक इनफाइनाइट लूप है, पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। एंड आई एम श्योर 90% लड़के है ना कॉलेज में इसीलिए दाखिला लेते होंगे क्योंकि इस कॉलेज का नाम है किम्स। किम्स किम्स, याद आया कुछ? और उन्हें लगता है कि उन्हें एक दिन यही मिलेगी वो किम कार्दाशियन। ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय। दुर्बाल, ये नहीं, ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय आबिर बासु। तेरे बाबा का इतना बड़ा हॉस्पिटल और तेरी शक्ल कितनी अमीर है ना। तुझे ना अपने गुड कर्मा के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा लैब पार्टनर बन जा। व्हाट्स इट, पार्टनर विद मी। बाकी सब बिचे सकअप करने के लिए है, बट मैं तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगी। लैब पार्टनर बनेगी? रिक्वेस्ट वाली टोन नहीं सुनाई दी मुझे। नखरे क्या मार रही है? ऊपर क्या देख रही है तू? ओके, आई नो दैट स्माइल। हाँ, तू ये टैग्स दे रही है ना मुझे? यू कांट डू दैट। ओके, यू कांट ऑब्जेक्टिफाई मी। आई सू यू। यू सू मी? ठीक है, सू कर ले। वैसे भी MBBS पास करने के लिए सारे प्रैक्टिकल्स पास करने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड अ लैब पार्टनर जो तेरे पास है नहीं। हाउ सैड। ये सेडिस्ट है ना तू। पुरानी आदत है, अब कुछ नहीं हो सकता। और तुझे पता ना, इवेंचुअली तू मेरी पार्टनर बनने वाली, तो फिर ये डैम, ये 500 फ़ारेनहाइट की केमिस्ट्री देख के तो इस बायोलॉजी लैब के स्केलेटन्स में भी लाइफ आ जाती होगी यार। बट रुको, ये स्टोरी आज की नहीं है। इन दोनों एटम बम्स के बीच में ये केमिकल रिएक्शन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब वो दोनों टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स थे, अपना आबिर बासु एंड निवेदिता सरकार। तो जब आबिर 7 साल का था,
तब निवेदिता उसके घर के बगल वाले घर में शिफ्ट हुई और बेचारे आबिर को तो मालूम ही नहीं था कि एक रैंडम मासूम सी नो रूल्स फॉलोड वाली बास्केटबॉल की गेम उसकी लाइफ में कितने इश्यूज क्रिएट करने वाली है। उसके डैड डॉक्टर बासु ने तो अपना माइकल जॉर्डन देख लिया था दादा, और आबिर के ना उस दिन से ऑफिशियली लग गए थे। अब अगर आपके हस्बैंड को कोई बचा सकते हैं तो वो है सिर्फ डॉक्टर बासु। उस दिन निवेदिता को पहली बार डॉक्टर बासु में भगवान दिखे। ए, तुम ही हमारे छेले के हारिए छो ना, बास्केटबॉल चैंपियन, गुड गर्ल। और बस फिर क्या, निभी के छोटे से दिमाग में ये बड़ी सी क्वेश्चन परमानेंटली फीड हो गई। भगवान इक्वल्स टू डॉक्टर इक्वल्स टू डॉक्टर बासु। डॉक्टर बासु में निभे को मिला अपना मेंटर और डॉक्टर बासु को निभे में अपना प्रोटेजे, और इन सब में लग गई बिचारे आबिर की। अभी बेटा सुनो, तो उस दिन एक लव स्टोरी शुरू हुई। भालो खेल चो। सॉरी, एक्चुअली दो लव स्टोरी शुरू हुई। एक लव स्टोरी आबिर और निभे की, और दूसरी निभे और डॉक्टर बासु की। सर डॉक्टर बासु, थैंक यू वेरी मच फॉर द अमेजिंग कवर फोटो। आज आपको पूरी फैमिली आई हुई है, ऑर्थोपीडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, ये सारे डॉक्टर्स एक ही फैमिली से हैं, और आप इंडिया के बेस्ट कार्डियक सर्जन। आपका भी एक बेटा है ना, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वेल, फिलहाल वो अपनी MBBS कर रहा है। आप गेस कर सकती हैं कि मेरा बेटा पढ़ा के क्या बनना चाहेगा। अब बाबा वो आ गया। क्या हो गया, कोई मर गया क्या? सब जने से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों पहने? अरे आप है ना अंकल, मेरे को लगा आप ही निकल गए। बट इज ना, समझाना भाई ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर ही कुछ अलग लेवल का ही टॉर्चर है यार। हाँ यार, अलग लेवल का टॉर्चर है। लाइटर भी नहीं मिलता कभी कभी। तू क्या पागल आ गया लेकिन? यहाँ पे साला मॉक टेस्ट सुनकर मेरी फट रही है और तू रोल बना रहा है, फूक रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। ब्रो चिल मार, टाटा अंबानी को आलू प्याज की प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? तुझे मालूम है ना तेरा बाप कौन है? साले वही तो प्रॉब्लम है, गलती से अगर फेल भी हो गया ना तो नींद में हार्ट बीट रोक देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि रीजन क्या था मेरे मरने का। अच्छा कहा था, मतलब फेलियर लूजर सा बाबा मिल जाता बेस्ट होता, मेरी लाइफ सेट थी यार। अबे ये पल्लव मर गया क्या? ए उठना, तू यहाँ है, तू आजाद के लिए तैयार है ना? नहीं यार, नहीं भैया, मुझसे आज नहीं होगा, कल करते हैं प्लीज यार। अभी तू हमेशा ऐसे ही करता है। अच्छा इसके लिए सब पढ़ रही है क्या? थी यार। नहीं नहीं, वेरी नाइस। एनीवेज आज जिद्द मिलना है। डॉक्टर बासु से क्यों मिलना चाहती है निभे? उन्हें आराम करने दे यार। सैंपल मॉक टेस्ट चेक करवाना, वो भी सिर्फ उनसे। हैंग ऑन एक मिनट। सैंपल मॉक टेस्ट मतलब कि तूने मॉक टेस्ट का भी मॉक टेस्ट लिया है? तू तो देवी है निभे, जादू लेवल स्पेशल देवी। आ आ आ आ आ आ आ। एनीवेज ये रहा सॉल्व सैंपल मॉक टेस्ट, प्लीज एक बार पढ़ लेना जेटू को दिखाने से पहले। ओके यहाँ है तू, और एक मिनट, और बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। इसे खा ले। हाँ खा रही हूँ, एक से ज्यादा होशियारी मत मारी, रख। और ये क्या लगा हुआ है टी शर्ट पे? शी केचप नहीं है। हाँ कल रात चाइनीज था ना मैस में, तो सेजवान सॉस। मतलब तू कल रात से नहीं? नहीं मतलब आई एम अ सीरियस मेडिकल स्टूडेंट। हम कपड़े वपड़े नहीं देखते, हम जान बचाते हैं। दिस फॉर मैं अब यूनिसेक्स बन गया। बाय द वे सेजवान इज ऑन टोस्ट। चल बास्केट टेंशन ले। चल चल मेरी माँ, चल। ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं तेरे लिए लिटरली सॉरी फील करता हूँ। तेरे घर के अंदर तेरी कंपैरिजन इज साइको से होती है। तू अपने होम ग्राउंड में आउटसाइडर है ब्रो। So funny. She's one sauce is on toast na. Gravy ke piche kya hai sab pata hai mujhe. You have seen her naked? Tune kabhi nahi bataya. Fibroids, also known as leiomyomas, are benign smooth muscle tumors that occur in the uterus. Medical Council ki ek study ke according, in the last 20 years, 25% women under 40 have been getting fibroids. Their prognosis is different than a 40-year-old.
मुझे ना यार इसे एक बार यूज होना है, कंधा वाला यूज। भाई चुप करना, देखना अब सूर्य नमस्कार करती हूँ क्या। लाइफ में बहुत कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक बार इसे हुकअप चाहिए, सिर्फ एक बार। चांदनी और निशांत, और फिर चांदनी निशांत 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 निशांत। यस मैम। हमारे लैब रैट्स का अटेंशन स्पैन भी तुमसे ज्यादा है, पर एटलीस्ट कैन यू स्टॉप डिस्टर्बिंग द अदर्स एंड कैन यू स्टॉप गिविंग मी अ हार्ड ऑन। मॉक टेस्ट होने वाला है और उसके बाद फाइनल्स, ये डे ड्रीमिंग का टाइम नहीं है। सॉरी मैम। रीड द रिमेनिंग चैप्टर। Told you na, head of the guy in our class, I don't lie. He's talking about tiling time and all that. I just don't lie. Venki, why do you even entertain him? I can't help it. They keep talking. Sorry, मुझसे नहीं हो पाएगा। यार मैं नहीं कर पाऊंगा। Wow, you really are an asshole.